मिक्सर को थोड़ा सा टेटी चल रहा थोड़ा थोड़ा टेटा चलेगा तो ये बाल जल्दी कटेगा। हाँ ऐसे ये हो गया। फिर ये ऐसे मिक्सर को दूसरी साइड चेंज करके ऐसे चलाओ इसको धीरे धीरे और चमड़ी को जितना ही चेंज करेंगे जितना ही टाइट करेंगे उतनी अच्छी सेल होगी। ये सेल इतनी हार्ड है कि किसी से होती नहीं है, जैसे अनजानों के लिए नहीं कर सकता। इतनी हार्ड है इसको आराम से करना पड़ेगा। इतनी मतलब की है तो ही देखो चल रहा है चमड़ी को जितना उतना ही ये अच्छी चेन होगी। इसको ऐसे खींच कर दोनों का खींच लो ऐसे। हाँ तो इससे ये देखो ये देखो ये देखो ये पूरा उसको टाइट दोनों आंगड़ी से देख लो करना बिल्कुल अच्छी सफाई आ रही है देख लो। दूसरी साइड और ये धीरे धीरे थोड़ा सा इसको आगे की ओर घसी के चला रहा हूँ। उसका क्या है ना पता नहीं चलता। सेब बहुत बड़ी दाढ़ी है इसकी, बाल भी बहुत बड़े बड़े है। जो करना हो उसको साथ में थोड़ा थोड़ा कर लो, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो आपको देख रहा है हाँ कह रहे ऐसे कह रहे इनमें क्या तू काम सीख लिए। चलो अठे काम कर ना कर बेटा तू और कटेगी कर ले काम है वही काम कर ले। इसके सारे से तू करना कर ना भैया बढ़ता है तो क्या घर ही लग रहा है क्या नहीं तो करना कर मिस्त्री तो बन जमा रहा है इसको छोटी कर देता है दोनों हाथों से ऐसे खेच लो इसको फिर ऐसे उसका दबा धीरे धीरे दो तीन बार बहुत रिस्की काम होता है यहाँ पे। ये सबसे रिस्की काम है ये देखो हम तीन बार हो रहा है ये बंदा ठीक है ये हो गया। सफाई आ रही है आपके सामने एक बारी में तो कोई बात नहीं जैसे सफाई आई वैसे ठीक है थोड़ा दूर करो इसको फिर तो इस साइड तरीके से धीरे धीरे रेजर चला के बिल्कुल आराम से दो तरीके एक ऐसे पकड़ना है दो तरीकों में सारी दाढ़ी होती है इसको ठीक के रखना है ये है ना जो ऐसे नीचे दाढ़ी है इसको काटना बहुत मतलब की कठिन होता है। मूंछों को भी काटना कठिन है वैसे तो देख लो आपके सामने धीरे धीरे रेजर चलाना है और चमड़ी खींच के रखनी है। ये देखो ये बहुत हार्ड होता है इसको थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ता है। आप देखिए ब्लेड काम नहीं करता मुझे तो शायद उसका ब्लेड डालना पड़ेगा इसमें उसका ब्लेड डाल रहा हूँ। इतनी हार्ड दाढ़ी है इतनी बाल है ना तो बहुत बहुत हार्ड दाढ़ी है थोड़ी सी पानी लगा के थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ ताकि ये काटे में काटे धीरे 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 ऊपर की साइड लेके जाना है यहाँ पे तो बहुत आराम से करना पड़ता है क्योंकि होठों को बचा के होठ है जो आदमी आ जाता है उसके बाद में कुछ नहीं होता कहीं पे भी रेजर नहीं लगेगा ये मेरी रखती ये काटने के लिए इसके नाक को ऐसे पकड़ देगा दोनों साइड से बाद में दोनों साइड काट कर उसको खींच लो दे